हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम साइबर सिक्योरिटी हिस्ट्री ऑफ हैकिंग क्विज पार्ट वन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, इन विच ईयर द टर्म हैकिंग वॉज कॉइंड। तो ऑप्शन ए 1965-67, ऑप्शन बी 1955-1960, ऑप्शन सी 1970-80, ऑप्शन डी 1980-82। द आंसर इज 1955-60। द टर्म केम टू ओरिजिन इन द ईयर 1960s व्हेन वेरी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड इंडिविजुअल्स प्रैक्टिस कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग अप्रोचेस टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हैकिंग टर्म कॉइन्ड हुई थी 1955-60 में। क्वेश्चन नंबर टू, फ्रॉम वेयर द टर्म हैकर फर्स्ट केम टू एग्जिस्टेंस। हैकर ये शब्द कहाँ से आया। ऑप्शन ए MIT, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया एंड ऑप्शन डी बेल्स लैब। तो इसका आंसर है ए MIT। एट MIT द टर्म हैकर फर्स्ट केम इन टू ओरिजिन बिकॉज इंडिविजुअल्स एंड हाई स्कूल प्रोफेशनल्स सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सम सिमिलर टर्म्स वेर ऑल्सो कॉइंड इन दिस रिगार्ड एज गीक्स एंड नर्ड्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, वॉट इज द वन थिंग दैट ओल्ड हैकर्स वेयर फॉन्ड ऑफ और फाइंड इंटरेस्टेड इन। तो ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो चीज़ ओल्ड हैकर्स को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते थे। ऑप्शन ए ब्रेकिंग अदर सिस्टम्स, ऑप्शन बी वायरसेस थ्रस्ट फॉर नॉलेज, ऑप्शन सी क्रैकिंग फोन कॉल्स एंड फोर्थ लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो कौन सी थी, दूसरों के सिस्टम को ब्रेक करना, वायरस या थ्रस्ट फॉर नॉलेज बहुत सारे नॉलेज गेन करना, क्रैकिंग फोन कॉल्स दूसरों के फोन कॉल को क्रैक करना, या ऑप्शन डी लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस नई नई लैंग्वेज सीखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वायरस या थ्रस्ट फॉर नॉलेज। हैकर्स ऑफ द ओल्ड एरा वेर कंसिडर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी विद द इंटेलेक्चुअल लर्निंग इंक्लिनेशन एंड थ्रस्ट फॉर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर फोर, इन विच ईयर द फर्स्ट पॉपुलर हैकर कॉन्फ्रेंस टू प्लेस। ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1992। द राइट आंसर इज 1993। द फर्स्ट एवर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैकर्स कॉन्फ्रेंस टू प्लेस इन द ईयर 1993 एट लास वेगस नेवाडा। नेवाडा लास वेगस में 1993 में सबसे पहली बार हैकर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट हैकर्स कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट हैकर्स कॉन्फ्रेंस जो 1993 नेवाडा लास वेगास में हुई थी उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए डेफकॉन DEFCON, ऑप्शन बी ऑस्कॉन, ऑप्शन सी डेवकॉन एंड ऑप्शन डी सेककॉन। उसका सही आंसर है डेफकॉन। डेफकॉन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड लार्जेस्ट हैकर्स एज वेल एज सिक्योरिटी कंसल्टेंस कॉन्फ्रेंस दैट टेक प्लेस एवरी ईयर इन लास वेगास नेवाडा where government agents, security professionals, black and white hat hackers from all over the world attend that conference. Question number 6. Blank is the oldest phone hacking techniques used by the hackers to make fake calls. इनमें से कौन सी ऐसी सबसे पुरानी टेक्निक है जिससे फोन कॉल्स हैक होते हैं। तो ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी स्पैमिंग, ऑप्शन थ्री फ्रिकिंग एंड ऑप्शन डी क्रैकिंग। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रिकिंग। Phishing, which is abbreviated as phone hacking, is a slang term and old hacking technique where skilled professionals study, explore and experiment telephone networks in order to acquire the free calling facility. Question number 7. In which year the first practical technology hacking came into origin? सबसे पहले practical technology hacking कब origin में हुई? Option A 1878, Option B 1890, Option C 1895, Option D 1878. तो उसका सही आंसर है 1878. The first hacking related to telephone technology was done when the phone company named Bell Telephone started in the year 1878. Question number 8. In which year hacking became a practical crime and matter of concern in the field of technology? इनमें से कौन से साल हैकिंग एक प्रैक्टिकल क्राइम हो चुका था और मैटर ऑफ कॉन्सर्न हो चुका था टेक्नोलॉजी फील्ड में। तो ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी है 1970 एंड ऑप्शन डी है 1974। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1970।
for hackers, 1970 was the era when hackers and cyber criminals figured out how weird technologies work and how this technology can be exploited in order to gain additional advantages or misuse the technology. इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं. इसमें से एक था जहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया 1973 पे हैकर्स को ये पता हुआ कि वो ऐसा एरा था जहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स को ये पता चला कि कितनी वियर टेक्नोलॉजी वर्क हो सकती है और जिससे टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉइट भी हो सकते हैं, इन गेन एडिशनल एडवांटेज और मिसयूज द टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल हु परफॉर्म्ड अ मेजर हैकिंग इन द 1971. ऐसा कौन सा पर्सन था जिसने बहुत बड़ी हैकिंग की थी 1971 में. तो उसके ऑप्शन है स्टीव वोजनाइक, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी केविन मिटनिक, ऑप्शन डी जॉन ड्रैपर. तो उसका सही आंसर है जॉन ड्रैपर. इन द ईयर 1971 वियतनाम गाय नेम जॉन ड्रैपर फिगर इट आउट एज हाउ टू मेक फोन कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट. दिस टाइप ऑफ फोन हैकिंग इज टर्म फ्रिकिंग. इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है पहले की क्विज में. क्वेश्चन नंबर 10, नेम द हैकर हु ब्रेक्स द आर्फानेट सिस्टम. उस हैकर का नाम बताएं जिसने आर्फानेट सिस्टम को हैक किया. ऑप्शन ए जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी केविन पॉलसेन, ऑप्शन सी केविन मिटनिक एंड ऑप्शन डी जॉन ड्रैपर. तो जॉन ड्रैपर ने तो फ्रिकिंग वो 1971 सबसे बड़ी वो हैकिंग मेजर हैकिंग उन्होंने की थी. तो इसका सही आंसर है केविन पॉलसन. द आर्फानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क गॉट हैक बाय द केविन पॉलसन एज ही ब्रेक्स इन टू द पेंटागन नेटवर्क एंड देयर एसोसिएट सिस्टम बट कॉट इमीजिएटली इन द ईयर 1983 में वो पकड़े गए. क्वेश्चन नंबर 11, हु कॉइन द टर्म साइबर स्पेस. साइबर स्पेस ये नाम किसने कॉइन किया है, फिर किसने इसे इस टर्म को एक्सप्लेन किया. ऑप्शन ए एंड्रू टेनबियन, ऑप्शन बी स्कॉट फॉलमैन, ऑप्शन सी विलियम गिब्सन एंड ऑप्शन डी रिचर्ड स्टॉलमैन. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विलियम गिब्सन. इन द ईयर 1821 एन अमेरिकन कैनेडियन फिक्शन पियोनियर कम राइटर विलियम गिब्सन एक्सप्लोर द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड कॉइन द टर्म साइबर स्पेस. द टर्म डिफाइंस इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी दैट हेल्प इन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरैक्ट विद डिजिटल डिवाइसेस, स्टोरेज एंड डिजिटल एनवायरमेंट, कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी एंड स्टफ रिलेटेड टू द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर कंप्यूटर साइंटिस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट इंक्रिप्शन टेक्निक्स इन TCP IP प्रोटोकॉल. IP मीन्स इंटीग्रेटेड पासवर्ड. उसके ऑप्शन है 1978, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1984. तो कौन से ईयर में कंप्यूटर साइंस स्टार्ट टू इंटीग्रेट इंक्रिप्शन टेक्निक्स. तो उसका सही आंसर है 1978. तो 1978 उसका आंसर है. तो गलती से मैंने 1980 पे टाइप कर दिया. TCP/IP सूट नीड्स प्रायर सिक्योरिटी एज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर use protocol suits and hence come computer scientists in the year 1978 attempts to integrate the circuit algorithms through their face may in impediments in this regard. इसका सही आंसर है 1978 में इस ईयर में कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ट्राई की थी कि इंटीग्रेट इंटीग्रेशन टेक्निक्स TCP/IP प्रोटोकॉल चलाएं. क्वेश्चन नंबर 13, In which year the Computer Fraud and Abuse Act was adopted in the United States? United States ने Computer Fraud and Abuse Act was adopt किया था उन्होंने. ऑप्शन ए है 1983, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1987 एंड ऑप्शन डी है 1988. तो उसका सही आंसर है 1984. This cyber security bill got passed in the US in the year 1984, keeping this in concern that any computer related crimes do not go unpunished. This law also restricts user from unauthorized access of computer or data associated with it. Question number 14. Who was the first individual to distribute computer worms through internet? ऐसा कौन सा पहला पर्सन था जिसने कंप्यूटर वॉर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था इंटरनेट पर. तो ऑप्शन ए है वाल्डरमिन लेविन, ऑप्शन बी है विली लैंड्रेथ, ऑप्शन सी है रॉबर्ट रिचर्ड स्टॉलमैन एंड ऑप्शन डी है रॉबर्ट टी मॉरिस. तो उसका सही आंसर है रिचर्ड रॉबर्ट टी मॉरिस. तो रॉबर्ट टैपर मॉरिस अ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्टूडेंट डेवलप्ड मॉरिस वॉर्म इन 1988 एंड वॉज अक्यूज ऑफ द क्राइम अंडर US कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूस एक्ट फॉर स्प्रेडिंग कंप्यूटर वॉर्म्स थ्रू द इंटरनेट. तो उसे अक्यूज किया गया, उसे अरेस्ट किया गया
एज ए क्रिमिनल उसे अरेस्ट किया गया, क्योंकि उसने US का कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूस एक्ट जो हमने देखा था 1984 का, तो उसे उसने ब्रेक कर लिया, उसने कंप्यूटर वॉर्म्स इंटरनेट पर डाल कर। तो रॉबर्ट टी मॉरिस एज ए क्रिमिनल 1988 में पकड़े गए। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैंक इज ए पावरफुल इंक्रिप्शन टूल रिलीज बाय फिलिप जिपरमैन इन द ईयर 1991। तो ऐसा कौन सा एक पावरफुल इंक्रिप्शन टूल था जो रिलीज़ किया था फिलिप निबर ने 1991 में? तो उसके ऑप्शन है PGP प्रोटेक्टेड ग्रुप प्राइवेसी, ऑप्शन बी AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डी, ऑप्शन सी PGP प्रीटी गुड प्राइवेसी, ऑप्शन डी DES डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डी। तो उसका सही आंसर है PGP प्रीटी गुड प्राइवेसी। दिस इंक्रिप्शन प्रोग्राम पैकेज नेम PGP Pretty Good Privacy became popular across the globe because it helps in providing authentication in data communication as well as help in maintaining privacy through cryptographic algorithms by encryption and description of plain text in emails and files to cheaper text and vice versa. तो इस तरह से हमने साइबर सिक्योरिटी हिस्ट्री ऑफ हैकिंग पार्ट 1 क्विज को कंप्लीट कर लिया है, और ये 15 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इसे इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हुआ होगा, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।